अभी आया हूँ मैं स्वीट फॉल्स। ये उतना फेमस डेस्टिनेशन नहीं है शिलोंग का, बहुत कम लोग आया करते हैं यहाँ पे। ओके, मतलब पॉपुलर प्लेसेस में नहीं है, तो जो पॉपुलर है वहाँ पे तो लोग जाते ही है। मैं क्या सोचा, थोड़ा अनकॉमन जगह चलते हैं, इतना अनकॉमन भी नहीं है, लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं आते हैं। स्वीट फॉल्स, अभी इसके बाद किसी म्यूजियम में जाएंगे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये ब्लॉग का थर्ड पार्ट है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग को जाना था शिलोंग पीक, क्योंकि है आज वेडनेसडे 27 जून 2018, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को बंद रहता है, तो आप एक दिमाग में बैठा लो, अगर आपको शिलोंग पीक जाना है तो प्लीज़ वेडनेसडे को मत आना। यहाँ से जो व्यू है काफ़ी मस्त है, वो है अपना स्वीट फॉल्स नाम। आई डोंट नो इसका नाम स्वीट फॉल्स क्यों पड़ा, बट जो है जैसा है यही है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताओ यार, ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहूँगा। जगह का नाम सजेस्ट करो, शिलोंग में एक हफ्ता है बस, और उसके बाद जाऊँगा। तो टैक्सी का नंबर मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको जाना हो तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है उनका नेचर, यहाँ के लोकल पीपल है खासी। एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा आपको, हाँ आप कभी भी यहाँ में घूमने आओ ना, तो प्रीफर करो किसी खासी बंदे के साथ जाने के लिए। अगर आप नॉन ट्राइबल जैसे हो गए बिहारी, बंगाली, असमीज, नेपाली, ये लोग के साथ जाओगे तो आपको अच्छा फील होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फील होगा। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो ना, तो वो लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। बट आप किसी खासी बंदे के साथ आते हो यहाँ पे, क्योंकि ये खासी लोग का जगह है, तो आपको वो, क्योंकि अब उनका ड्यूटी है, अब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन गए हो आप, तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा जस्ट सजेशन है। वैसे व्यू देख लीजिए, काफ़ी मस्त व्यू है, ठीक है। वो है अपना स्वीट फॉल्स, तो मैं कैमरा स्विच करके दिखाऊंगा। कुछ कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब ये जो ड्राइवर है काफ़ी अच्छा है, रास्ते में बोर फील नहीं करोगे, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। अभी तो एक ऐसा फनी स्टोरी बता रहा था हम लोग को, लाइक शिलोंग में कैसे वोमेंस राज, लेडीज पावर चलता है। ये है लिमियन, इनका फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा आपको अपने डिस्क्रिप्शन में, कभी भी आना होगा तो आप इनको कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं, अच्छे प्राइजेस में लेके आएंगे लिमियन, ठीक है। इनका नंबर मैं दे दूंगा, डोंट वरी। स्वीट फॉल्स में बस यही है, कुछ यहाँ पे बैठने के लिए है, आप देख लीजिए, और बस यही है, इसके नीचे आप नहीं जा सकते हो। बोरिंग नहीं, मतलब हाँ बोरिंग है, वहाँ पे फॉल्स में जा भी नहीं सकते, मतलब दूर से देखो, एक तरह से फ्रेम हो गया तुम्हारा, वही है फ्रेम में लगा। और एंट्री फी भी 70 रुपीज़ ले लिया हम लोग का, हाँ 5 आदमी थे तो 70 रुपये लिया, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं है। उसके हिसाब से तो फ्री में देना चाहिए था, यू नो कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, एवरीथिंग इज डिपेंड अपन एडवर्टाइजमेंट, आप किसी चीज़ को कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें कुछ कंटेंट हो या ना हो, लेकिन हमने लगा अच्छा है ना किसी चीज़ का, तो आदमी लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे, वही हालत हो गया है। यहाँ आके सच बोलूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, आप देख लेना, मैं ये रिकमेंड करूँगा। अगर हाँ आना है तो इसको लास्ट ऑप्शन में रखो, प्रायोरिटी के लास्ट में, पहले जो फेमस डेस्टिनेशन है उसको कवर करो। अगर शिलोंग में आते हो तो ये सबको लास्ट में रखो, यही है मेरा रिकमेंडेशन। और क्या है, बस ऊपर रितेश भी ब्लॉगिंग कर रहा है, हम लोग यहाँ में बैठे हुए हैं, खाने पीने के लिए भी यहाँ पे नहीं है, छोटा सा टी स्टॉल होता तो इट कुड बी गुड। बहुत पैसा खर्चा हो गया आज। एनीवे, ये ब्लॉग को भी मैं अभी यहीं फिनिश करता हूँ,
क्योंकि कुछ दिखाने के लिए है नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। शिलोंग की ऑलमोस्ट जितने डेस्टिनेशन है मैंने कंप्लीट कर लिया है, मेजर डेस्टिनेशन, वरना भी तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग किसी म्यूजियम में जाने वाले हैं, एवर लिविंग म्यूजियम उसका नाम है, तो उसका वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूँ। तो शिलोंग के ऑलमोस्ट जितने हैं घूम लिया इन चार सालों में। हाँ, छोटे छोटे बहुत प्लेसेस है जहाँ घूमना बाकी है अभी, बट आई थिंक वो अभी हो भी नहीं पाएगा। आज ये लास्ट था शायद घूमने का, आज है मतलब एक जगह और है और शिलोंग में नहीं हो पाएगा। स्कूटी राइड देखता हूँ एक पॉसिबल है कि नहीं लास्ट। ठीक है, तो अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करिए, लेकिन इसके साथ मुझे रीज़न बताइए क्यों, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उसको इम्प्रूव करूँ। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।